हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर के काम हो जाएंगे आसान और बिल्कुल आधे, साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होगी और आपकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी और इन टिप्स में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी खाने में डाल दिया जाए तो वो खाना बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन जाता है। जब तक खाने में थोड़ा तीखापन ना हो तब तक खाना खाने का मजा ही नहीं आता। लेकिन जब कभी भी हम इस हरी मिर्च को काटते हैं तो हमारे काटने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो हाथ में पकड़ के काटते हैं या फिर किसी प्लेट या स्लैब पर रख के काटते हैं। लेकिन इस तरीके का यूज़ करके हम एक से ज़्यादा मिर्चें नहीं काट पाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर है, जो कि अक्सर हर घर में होता ही है क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का बड़ा शौक होता है और कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ घर में बनाते हैं तो पिज़्ज़ा का कटर का यूज़ ज़रूर करते हैं, और इस पिज़्ज़ा कटर के ज़रिए भी आप अपनी हरी सब्जियां या हरी मिर्च होती हैं, बीन्स होती हैं, इनको एक साथ आप कई सारी चीज़ें आसानी से काट सकते हैं। जैसे कि हम एक सब्जी के अंदर कम से कम 3 से 4 मिर्चों का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं पसंद करते। तो अगर आप हरी मिर्च काटते हैं तो आप एक ही बार में पिज़्ज़ा कटर की मदद से यहाँ पर ढेर सारी हरी मिर्च काट सकते हैं। इसमें आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मिर्च आपके हाथों में नहीं लगेगी और हाथों में किसी भी तरीके की इरिटेशन या जलन नहीं होगी। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं और शैतानी करते हैं तो आप बिना किसी टेंशन के उन्हें भी आसानी से संभाल पाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे खाने में मसालों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जब कभी भी हम ज्यादा तीखा खा लेते हैं, ज्यादा मिर्च वाला खाना खा लेते हैं, तो बहुत से लोगों को ना पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि हम तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनके पेट में जलन हो जाती है, जलन की दिक्कत होती है। लेकिन कई बार फिर भी हम ना जब तीखा खाना खा लेते हैं, कई बार दिल करता है तीखा खाना खाने का, लेकिन उसके बाद हमें जब जलन की परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि हमें तीखा खाना खाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन रुकिए, अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं और पेट में जलन हो जाती है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। आप थोड़ा सा ग्लास में ना ठंडा दूध ले लीजिए। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है और ठंडा दूध पीने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और तभी लेना है अगर आपके पेट में तीखा खाने के बाद जलन हो जाती है। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, करीबन आधा कप ले लीजिए, या आप करीबन 5 से 10 चम्मच के करीबन थोड़ा दूध भी ले लेंगे ना तो आपके पेट की जलन बिल्कुल शांत हो जाएगी। इस तरीके का यूज़ करके आप तीखे खाने का भी लुत्फ उठा पाएंगे और साथ ही साथ जो पेट में जलन होती है, कई बार ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा एजिड लोगों को होती है, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, कभी भी कहीं भी हम कुछ काम कर रहे हैं, खासतौर पर किचन में, तो जाने अनजाने कपड़ों के ऊपर ना तेल गिर जाता है। ये तो अक्सर सबके साथ होता है और कभी ना कभी आपने ये चीज़ ज़रूर फेस की होगी। कई बार हम सर पर बालों में तेल लगा रहे होते हैं तो कपड़ों पर तेल गिर जाता है, किचन में खाना बना रहे होते हैं तो भी कई बार तेल गिर जाता है, तो हम इसे छुटाने के लिए आज आटे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने नारियल तेल को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, तो इसे मैं थोड़ा सा कपड़े के ऊपर डाल देती हूँ। तेल का दाग एक ऐसा दाग होता है जो कि एक बार कपड़े पर लग जाता है तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, और इसे निकालने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत होती है, ये छूटता ही नहीं है। कई बार हमारे महंगे महंगे कपड़े भी इस वजह से खराब हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करिएगा। अगर आपके घर में टिश्यू पेपर है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके के न्यूज़पेपर के टुकड़े का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर का एक ही काम होता है, वो ऑयल को बहुत जल्दी से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो न्यूज़पेपर से भी आपका काम चल जाएगा। जितना भी ऑयल होगा इसमें फालतू, आप उसे टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर के जरिए निकाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत ही ऑयल इसमें बचता है और दाग बचता है, उसका यूज़ हम करेंगे आटे से। आटे को इस पर अच्छे से फैला लीजिए और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 मिनट बाद आप इस सारे आटे को निकाल दीजिए। आटा भी हमारा जो होता है वो यही काम करता है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल कहीं भी लगा हो तो उसे सोख लेता है। आपने देखा होगा कई बार हम पूड़ियाँ बनाते हैं, कचौड़ियाँ बनाते हैं, तो थोड़ा सा आटा बनाते वक्त, आटा गूंथते वक्त हम थोड़ा सा मोइन डालने के लिए उसमें घी या ऑयल का यूज़ करते हैं, है ना। तो आटा जो है सारे ऑयल और घी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप किसी चम्मच या चाकू की मदद से इस सारा आटा निकाल लीजिए। आटे को हाथ लगाकर देखेंगे तो इसके अंदर सारा ऑयल आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, एक बर्तन लेना है और जिस हिस्से में ऑयल गिरा हुआ है उसे उस बर्तन में रख देना है। थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी भी ऑयल को अच्छे से निकालने में बहुत मदद करता है।
इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से जिस कपड़े पे ऑयल लगा है उसे साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा यानी कि जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है उसका यूज़ करिए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें 2-3 बूंदे आप या 2-3 चम्मच करीबन आप उसमें नींबू की डाल दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, आपका ऑयल वाला दाग अच्छे से रिमूव हो जाएगा। या फिर अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर आप शैम्पू भी डाल सकते हैं, शैम्पू भी ऑयल को निकालने में बहुत कारगर है। इसके ज़रिए मतलब ये काफ़ी सारी टिप्स है जिसके ज़रिए आपका जो ऑयल वाला कपड़ा है वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा, किसी भी तरीके का निशान दाग किसी भी कपड़े पर नहीं लगेगा, चाहे कपड़ा कितना भी महंगा क्यों ना हो। अब आप इस पानी को ध्यान से देखिए, आपको इसके ऊपर जो तेल है वो तैरता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस कपड़े पर अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके का तेल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों किचन में कभी भी हम जब हाउसवाइफ खाना बनाती हैं तो अक्सर आपने देखा होगा खाना बनाते वक्त कई बार किसी भी सब्जी में पानी ज़्यादा पड़ जाता है या नमक ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारी गैस की वेस्टेज उस टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उतना ज़्यादा पानी हमें सुखाना पड़ता है। लेकिन रुकिए, अगर आप चाहे सूखी सब्जी बना रहे हैं उसमें भी कई बार सब्जी पानी छोड़ती है और पानी ज़्यादा हो जाता है और उसे सुखाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा गैस खर्च करनी पड़ती है। या फिर हम कभी मटर या आलू की सब्जी बना रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी तो मेरी सब्जी बनी नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कभी अगर पानी ज़्यादा हो जाए खाने में तो आप क्या करेंगे। उस टाइम पर अगर आपके पास ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड हो या वाइट ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड ले लीजिए, उस ब्रेड का यूज़ करिए और आप खाने के बीचों बीच में रख दीजिए और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो ये सारी ब्रेड ऑब्जर्व कर लेगी। अगर बहुत ज़्यादा खाने में पानी पड़ गया है गलती से तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी कम है तो आपको लगता है कि थोड़ी ब्रेड ही काफ़ी होगी तो आप इसमें आधा या फिर एक ब्रेड ही यूज़ करिए और इसका यूज़ करके आपके खाने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा नमक हो गया है तो ये ब्रेड अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेगा। कई लोग क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा हो जाता है तो किसी भी करछी से एक्स्ट्रा पानी को निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, इससे मसाले सब चीज़ वेस्ट हो जाते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपका खाने का जो एक टेस्ट है एक बैलेंस बना रहेगा, पानी का बैलेंस बना रहेगा और आपका जो खाना है वो एक्स्ट्रा पानी होने से भी बच जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी क्योंकि अक्सर रसोई घर में काम करते वक्त ऐसा अक्सर होता है कि खाने में पानी ज़्यादा हो जाता है और आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ करिएगा। इस ट्रिक का यूज़ करने से अगर कोई सूखी सब्जी भी है जैसे कि कई बार पालक होती है, मेथी होती है या सरसों होती है तो ये सब्जियाँ भी कई बार पानी ज़्यादा छोड़ती हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपके डेली के काम आधे हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपकी डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी और बचत भी होगी। तो ये ढेर सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली लाइफ काफी हद तक आसान होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की नई नई वीडियोस के लिए, नई नई टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।